हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर अजय, आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। हम बात कर रहे थे मैक्स वेबर की। मैं यहाँ पे आपको सीयूटी पीजी 2023 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, तो हर बार बोलने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो फ्रेंड्स मैं मैक्स वेबर पे आपका एक लेक्चर पहले ले चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट उनके बताए थे, कुछ कुछ रह गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा वर्क किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि 1920 तक उन्होंने एटलीस्ट 1920 और बीच में वो काफ़ी बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद जब वो रिवाइव करे, वो अपने हेल्थ उनकी दोबारा से सही हुई, तो उन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904 to 05, इसने एक तरह से पूरा रिवोल्यूशन ला के रख दिया था कैपिटलिज्म में, कि किस तरह से रिलीजन एक मेजर रोल प्ले कर रहा था किसमें, कैपिटलिज्म के एस्टेब्लिशमेंट में। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसी सीरीज में जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, हम लोगों का एक पेड बैच भी चल रहा है जहाँ पे मैं आपको सीयूटी पीजी 2023 के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ डेली, और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PIQs, MCQs, बूस्टर डोज एंड मेनी मोर थिंग्स, मैराथॉन्स रिलेटेड टू योर सोशियोलॉजी, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी वहाँ पे, क्लास नोट्स, PPTs एंड PDFs, मेनी मोर थिंग्स आपको वहाँ पे कवर अप करवाई जाती हैं, ताकि आप जो अजर्सन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली, वो क्या होते हैं आपके सब्जेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए थोड़ा डीप आपको स्टडी करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने जैसे टर्म्स बता दिए, इनके डीप में यदि कोई क्वेश्चन बन गया अजर्सन्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपके लिए वो जरूरी हो जाता है कि आप उस तरह के क्वेश्चंस कर सकें, क्योंकि JNU में आप जानते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो आपको उस जो बैच हमारा चल रहा है उसका जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, गूगल फॉर्म भरिए, वो किस तरह से सारा प्रोसीजर है उस पर भी वीडियो डली होंगी हमारे एग्जाम बट के मेन ऑफिशियल चैनल पे, आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप वो प्रोसेस सारी कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ सोशियोलॉजी की क्विज के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सोशियोलॉजी विद अजय, आप उससे ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम डेली बेस पे क्विज करते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई एग्जाम बट से रिलेटेड किसी भी बैच में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बट ऑफिशियल करके, आप उससे ऐड हो सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको तो कर ही लीजिएगा ज्वाइन, ताकि आपको हर एक अपडेट विद इन टाइम मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन बड़े आसानी से कर सकें, किसी भी तरह का हेक्टिक वे ना हो आप में, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेन ना हो रिलेटेड टू योर स्टडी, आप आराम से स्टडी कर सकें और मेन फोकस कर सकें अपने प्रिपरेशन पे, अपने एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी स्ट्रेटजी, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप प्लीज़ इसको माइंड करिएगा। आइए बात करते हैं, इन सबको हम बात कर चुके थे, यस मैंने क्लास स्टेटस एंड पावर बताया था, तो उसमें ही देखो फ्रेंड्स उन्होंने एक्चुअली हिंदुइज्म की भी स्टडी की, मैंने आपको बताया था। तो क्लास स्टेट एंड पावर, वेस्टर्न कल्चर जो है या वेस्टर्न सोसाइटी जो है उसमें जो क्लास आपकी है वो ज़्यादा मैटर करती थी स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। जब उन्होंने इंडिया में देखा तो उन्होंने कहा क्लास से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, कास्ट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वर्क किया था किस पे, कास्ट, यस। उन्होंने क्लास को क्या बताया है, ये आपका इकोनॉमिक बेस होता है। स्टेटस को क्या बताया है, ये आपका सोशल ओनर बेस होता है, आपका सोसाइटी में किस तरह का ओनर है वो आपका ओनर डिसाइड, वो आपका स्टेटस डिसाइड करता है। और पावर क्या होता है, पावर इज रिलेटेड टू पार्टी, या यूं कहिए कि इकोनॉमी और सोशल ओनर, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो किसका फॉर्म बनता है, पावर, ओके। और इस पावर में ही जब लीगल, यही पावर जब आपका लीगल हो जाए, जो रूल ऑफ लैंड है किसी स्टेट का रूल ऑफ लैंड है उसके द्वारा क्या हो जाए, सेंक्शन हो जाए, उसके द्वारा एक्सेप्टेड हो जाए, तो वही पावर किस में बदल जाता है, अथॉरिटी। सिविल सर्वेंट्स के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है। पावर क्यों नहीं बोलते हम उनसे, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो हमारे लीगल सिस्टम द्वारा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा, हमारे नेशन, हमारे स्टेट के द्वारा क्या है, एक्सेप्टेड है, उसे एक प्रोसेस के थ्रू रिक्यूट किया गया है, तो वो एक तरह की क्या है, अथॉरिटी है। वो किसके लिए फ्री है, वायलेंस के लिए, उसे हम वायलेंस नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसे, पनिशमेंट। यदि पुलिस ने किसी को किसी पे लाठी चार्ज कर दी तो उसे हम वायलेंस नहीं बोलते, बट इट माइट बी अ वायलेंस, इट्स ऑब्वियसली इट इज अ वायलेंस, बट एक्चुअली इट इज एक्सेप्टेड बाय द रूल्स ऑफ अवर सोसाइटी, ऑफ अवर स्टेट, दैट्स व्हाई इट वुड बी सेड एज अ पनिशमेंट, नॉट एज अ वायलेंस। सो उनकी क्या होती है, वायलेंस पे मोनोपोली होती है, लीगल अथॉरिटी एज हैविंग मोनोपोली ऑन वायलेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इंडियंस में उन्होंने कास्ट, स्टेटस एंड पावर के बारे में बताया, ये तीन मेजर पिलर्स हैं किसको डिसाइड करने के लिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन,
सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ओके, इसके बाद मैंने आपको उसमें बताया था कि दिस वर्ल्ड एसिटिसिज्म होता है, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स होते हैं उसमें दिस वर्ल्ड एसिटिसिज्म होता है, जबकि हिंदुओं में जो है हिंदूज जो हैं, हिंदुइज्म की जब स्टडी की तो उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी को प्रमोट कर पाया, क्योंकि हम किसमें मानते हैं, अदर वर्ल्ड एसिटिसिज्म। क्या अदर वर्ल्ड, हम मानते हैं कि जो कुछ है इस जन्म में नहीं है, हम रीबर्थ भी होगा, हमारा दोबारा से जन्म होना है, तो हम बिलीव करते हैं दूसरे वर्ल्ड में दूसरी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो हमको ड्राइव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अदर वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म। जब हम अदर वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म पे बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि क्यों इसी जन्म में सारा काम करना है, अगले जन्म में भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वर्क कम करेंगे, और वर्क की एफिशिएंसी कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम क्या होंगे, कम रिच होंगे। किन यार्डस्टिक्स पे, जो डिसाइडेड है यूरोप में, उनकी यार्डस्टिक्स पे कम रिच होंगे। स्पिरिचुअली यू कैन बी, स्पिरिचुअली आप हाई हो सकते हैं, बट जो इकोनॉमिक टर्म्स में है वो आप क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी क्लास नीचे हो जाएगी। क्लास और स्टेटस जब आपका नीचे होगा तो पावर आपका नीचे होगा, पावर आपका नीचे होगा तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रैटिफिकेशन में जो आपका स्तर होगा, जो आपका लेवल होगा, वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये सब रीजन्स होते हैं। तो हिंदुइज्म किस में बिलीव करता है, अदर वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म। सो अदर वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म इज द रीजन ऑफ हिंदुइज्म नॉट बीइंग अ कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी। अदर वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म सबसे बड़ा कारण है हिंदुइज्म का, या हिंदू सोसाइटी का, या इंडियंस का, कि वो कैपिटलिज्म के आर्डिस्टिक्स पे डेवलप ना कर पाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हिंदू एसिस्टिसिज्म डिस्क्राइबिंग इंडियन सोसाइटी, देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मॉडर्नाइजेशन एज रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल सेटअप। हमारा जो कन्वेंशनल सेटअप था, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था, उसमें जब हम टेक्नोलॉजी को, एडवांसमेंट जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसको इंक्लूड कर देते हैं, इसके साथ मेनी मोर थिंग्स जस्ट लाइक लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबर्टी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो फ्रांस फ्रेंच रिवोल्यूशन से आए, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इनको माना जाता है कि मॉडर्नाइजेशन के फॉर्म है, या मॉडर्नाइजेशन में क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक अचीवमेंट्स पे क्या किया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो सब मॉडर्नाइजेशन के कहीं ना कहीं एट्रीब्यूशंस हैं कि मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हाई होना चाहिए, हमारा एडवांसमेंट होना चाहिए, हम लोगों की कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसके अलावा या टाइम सेविंग होना चाहिए, कोई भी चीज़ तो टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। इसके अलावा हमें सभी के राइट्स की बात करनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है, इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, फ्रेटर्निटी की बात करनी चाहिए, लिबर्टी की बात करनी चाहिए, लिबर्टी ऑन इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस, तो वो सब चीज़ें किसका पार्ट है, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का। और हम मॉडर्नाइजेशन रैशनली जब चीज़ों को सोचते हैं, कन्वेंशनली नहीं सोचते हैं, सुपरस्टिशंस से नहीं सोचते हैं, चीज़ों को रैशनली जब रैशनली हम एक्वायर करते हैं, तो ये सब क्या पार्ट, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड बनाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन इज रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल, कन्वेंशनली हम चीज़ों को नहीं सोचते हैं, ट्रेडिशनली नहीं सोचते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यस, देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेथोडोलॉजी, मैंने उनके कई मेथोडोलॉजीज आपको बता चुका हूँ आपको। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक, वो हर एक सोशल एक्शन क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर इंडिविजुअल के लिए एक सोशल एक्शन है, वो करता है सोसाइटी की, वो तो इंडिविजुअलिस्टिक है। वहीं पर मैंने दुर्खीम को बताया, वो कलेक्टिवली की बात, कलेक्टिविटी की बात करते हैं, हर चीज़ में लोगों को एज अ होल लेते हैं। तो सबसे मेजर आपको डिफरेंस देखना है कि इनकी जो मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजिकल क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक। मैं लिख देता हूँ, मेथोडोलॉजिकल क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक। और वहीं पे यदि दुर्खीम की बात करें तो दुर्खीम क्या हो जाएंगे, मेथोडोलॉजिकल होलिज्म, मतलब वो सबको साथ में लेना चाहते थे, सबको साथ में लेके चल देते। तो इनका जो मेथोडोलॉजी वो इंडिविजुअलिस्टिक है, दुर्खाइम का जो मेथोडोलॉजी है वो होलिज्म है, कलेक्टिव है। इसके बाद इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हर्मेन्यूटिक एंड बर्स्टेहिन के बारे में, तो बर्स्टेहिन इज नथिंग बट इट इज योर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद इन्होंने सोशल एक्शंस, मैंने बताया था कि इन्होंने सोशल एक्शंस पे वर्क किया है, यदि आप देख पाएंगे, यस मैंने आपको बताया था यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो उन्होंने जो चार टाइप सोशल एक्शंस दिए हैं वो क्या क्या है, रैशनली पर्पजफुल एक्शन होता है एक हमारा, वैल्यू रैशनल एक्शन, अफेक्टिव एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन। जो हमारा ट्रेडिशन जो ट्रेडिशनली पर्पजफुल एक्शन, रैशनली पर्पजफुल एक्शन होता है वो उसको जैक रैशनल बोलते हैं,
जो हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। देखो फ्रेंड्स, हम एक्शंस जो करते हैं वो कई टाइप का हो सकता है, तो उन्होंने चार टाइप बताए मेनली जो हमारे एक्शंस होते हैं। एक होता है रैशनली, हम रैशनली किसी कोई एक्शन करते हैं और उस वो गोल ओरिएंटेड एक्शन होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक पार्ट है, तो वहाँ पर हम जो एक्शन करते हैं उसका एक गोल होता है, तो वो हमारे किस का पार्ट होगा, जो एक रैशनल एक्शन का पार्ट होगा। वहीं पे मैं बात करूँ, एक होता है वैल्यू ओरिएंटेड, वैल्यू रैशनल एक्शन जिसे बोलते हैं वर्ट रैशनल एक्शन, जो हमारा वैल्यू ओरिएंटेड होता है, हमारी वैल्यू से जो हम एक्शन करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि हमें सत्य अहिंसा का पाथ अपनाना चाहिए, तो यदि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं अपनाऊंगा, यदि मेरा मन है तो अपनाऊंगा। उससे कौन अफेक्ट नहीं हो रहा है, गांधी जी, गांधी जी का कहना है और कि हमें अहिंसा का पाथ अपनाना चाहिए, लेकिन अहिंसा क्या है, जो अहिंसा है उन्होंने इम्पोज नहीं किया है कि यदि आप अहिंसा का पाथ नहीं अपनाएंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, नहीं, आप इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अहिंसा का पाथ अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते हैं। तो इस तरह का एक्शन किसका पार्ट होगा, आपका वाइट रैशनल। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नेट जेआरएफ में कि महात्मा गांधी सेइंग और महात्मा गांधीज एक्शन इज विच टाइप ऑफ एक्शन, तो वो हो जाएगा वाइट रैशनल। इससे क्या होता है, वैल्यू ओरिएंटेड होता है, आपकी वैल्यू से निकल के आया अहिंसा की, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, वो सॉरी माफ करिएगा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या है, वैल्यू है हमारी, तो वैल्यू ओरिएंटेड होता है। वहीं पे नाजीज को, नाजीज में देखें हम, हिटलर ने जो वहाँ पे उसने गैस टैंक में कुछ ज्यूस को डायरेक्ट एक्शन लेके मरवा दिया था, तो एक तरह का कौन सा एक्शन था, वो गोल ओरिएंटेड था, वो मतलब उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके जो एक्शन लिया गया था कि वो उसका एक क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड था और उसकी कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, वो होना ही होना था, उन ज्यूस को उसको वहाँ पे मारना ही था, या उन्हें वहाँ से जर्मनी से एक्सक्लूड करना ही था। तो आपका किस का एक्शन है, वो एक पर्पजफुल एक्शन, उसका एक पर्पज था। आई होप कि दोनों समझ में आएंगे। इसके बाद अफेक्टिव एक्शन, अफेक्टिव एक्शन क्या होता है आपका, चरिश्मा रिलेटेड होता है। इसके अलावा यहाँ चरिश्मा से ज़्यादा मैटर करता है, एक चीज़ लिख लीजिएगा, इसको साफ करता हूँ, अफेक्ट एक्शन बताते हैं, यस, चरिश्मा एक एक तरह का दर्पण है, मतलब एक कॉज हो सकता है आपका अफेक्ट एक्शन का। इसके साथ साथ एक और मेन कॉज होता है इसका, एंड कर लीजिएगा, एंड इट इज माइंड बेस्ड, और आई कैन से स्टेट ऑफ माइंड, यस, स्टेट ऑफ माइंड इज प्रॉपर टर्म, एंड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड पे बेस्ड जो हमारा एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टिव एक्शन है। चरिश्मा, किसी शाहरुख खान को हमने देखा चरिश्मा को और हमने कहा वाओ, अफेक्टिव एक्शन है। मम्मी को गुस्सा आया अपने बच्चे पे और उसने और उन्होंने एक जड़ दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर अफेक्टिव एक्शन, जिसमें हम सोचते नहीं, हमारे माइंड की स्टेट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का एक्शन करेंगे, दैट इज़ योर अफेक्टिव एक्शन। इसका ट्रेडिशनल एक्शन आपकी वैल्यूज बिलीफ कल्चर से रिलेटेड होकर आप जो एक्शन लेते हैं, कस्टम्स एंड हैबिट बेस्ड जो एक्शन होता है दैट इज़ रिलेटेड योर ट्रेडिशनल एक्शन। तो इस तरह के चार तरह के एक्शंस की उन्होंने बात की, तीन टाइप की अथॉरिटी की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने बताया चरिस्मेटिक अथॉरिटी, रैशनल अथॉरिटी एंड लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि जब मैं पावर को पावर में रैशनल लीगल अथॉरिटी मिला दी जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। किस तरह की अथॉरिटी बनती है, तो रैशनल जो हमारा पावर है उसमें लीगल बना दिया तो अथॉरिटी बन गई, तो रीजनल लीगल अथॉरिटी हो गई। आई होप कि समझ में आएगी। इसके बाद ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, जो हमारे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उनके पास कोई, वो सिर्फ मंदिर में बैठे हुए हैं, बट हम उन्हें जाके एक तरह से मानते हैं कि उनके पास ज़्यादा पावर है, वहाँ पर झुकते हैं, तो वो उनके पास क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो प्रीस्ट के पास जो होती है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अथॉरिटी का पार्ट है। इसके बाद चरिस्मेटिक अथॉरिटी, जो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है, चरिस्मेटिक, उनका चरिस्मा कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह की अथॉरिटी देता है। तो एक तरह की तीन टाइप की उन्होंने, थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी उन्होंने माफ करिएगा दी, तो फोर टाइप्स ऑफ एक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी उन्होंने दी। और आई होप कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा। एक बार हम लोग को एक रिवीजन कर लेते हैं सारे टर्म्स का, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। यस, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर ने सोशल एक्शंस की बात की, देन ही टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्ट, ही एक्चुअली
रोट दिस बुक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। एक्चुअली पेपर था, दो पार्ट में आया था। सिक्स वर्ल्ड रिलीजन, डिस्कस रिलीजन एंड इकोनॉमी थ्रू इलेक्टिव एफिनिटी एंड थियोडिसी, ये दो टर्म दिए उन्होंने। देन वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलीवेंस। देन ही टॉक्ड अबाउट आइडियल टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ रैशनलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड वैल्यू रैशनलिटी उन्होंने दी। ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक अथॉरिटी होती है जो क्या है, रैशनल लीगल है, तो मैनेजरियल वर्क करते हैं ब्यूरोक्रेसी का, हम जानते हैं डूइंग मैनेजरिंग वर्क इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट की हेल्प के साथ चलती है। इसके बाद ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी रैशनल लीगल चरिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो हमारे पास होती है, एक ही है रैशनल लीगल एंड चरिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देन ही टॉक्ड अबाउट आयरन केज ऑफ रैशनलिटी, हम रैशनलिटी के आयरन केज में फंस चुके हैं। देन ही टॉक्ड अबाउट थियरी ऑफ डिसएन्चैंटमेंट, इस वर्ल्ड से हमारा डिसएन्चैंटमेंट हो गया। देन ही टॉक्ड अबाउट ट्रिपार्टाइट मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने क्लास स्टेटस एंड पावर की बात की है, सोशल स्टाइल, लाइफ स्टाइल्स एंड लाइफ चांसेस की बात की है। देन ही टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रेंसिक वैल्यू, लीगल अथॉरिटी एंड लीगल अथॉरिटी एज हैविंग मोनोपोली ऑन वायलेंस। देन ही टॉक्ड अबाउट सेकुलराइजेशन एज अ नेचर ऑफ स्टेट। देन फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून एनालिसिस फॉर लाइफ चांसेस। कास्ट स्टेटस एंड पावर जो इंडिया से रिलेटेड है, इसके बाद इंडिया रिलेटेड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और हिंदू एसिस्टिसिज्म बताया, अदर वर्ल्ड वाला एसिस्टिसिज्म है जो प्रोटेस्टेंट का क्या था, दिस वर्ल्ड एसिस्टिसिज्म। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन इज नथिंग बट इट इज रैशनल लीगल रैशनल लीगल भी कह सकते हो, रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेंशनल सेटअप ऑफ अवर पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर इनकी मेथोडोलॉजी में उन्होंने किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज की है, तो कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, इंडिविजुअलिस्टिक। प्लीज इसको माइंड करिएगा, इसको नोट करिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, तीन चार इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद वर्ष्टहीन, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी के लिए। इंटरप्रिटेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, हर्म्यूनिटिक टेकन फ्रॉम वर्ष्टहीन। वर्ष्टहीन कहाँ से लिया था उन्होंने, हर्म्यूनिटिक। हर्म्यूनिटिक किसका है, हिस्ट्री का है। इसके बाद फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, रैशनली पर्पजफुल एक्शन जिसे जैक रैशनल बोला जाता है, गोल ओरिएंटेड। वैल्यू रैशनल एक्शन, वर्ट रैशनल एक्शन होता है जो हमारा वैल्यू ओरिएंटेड होता है। इसके बाद अफेक्टिव एक्शन, चरिश्मा रिलेटेड और स्टेट ऑफ माइंड वाला जो एक्शन होता है, मम्मी को गुस्सा आया उन्होंने एक जड़ दिया, अफेक्टिव एक्शन। इसका ट्रेडिशनल एक्शन कस्टम एंड हैबिट्स पे बेस्ड होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, चरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल। तो इस तरह के कुछ टर्म्स थे मैक्स वेबर से रिलेटेड। आने वाली वीडियोज में हम एक नए थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आप भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो एंड हमारे पेड बेस से जुड़िए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। एंड सोशोलॉजी विथ अजय करके जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़िए, और एग्जाम बट ऑफिशियल करके चैनल है उससे जुड़िए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।